गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो ओके गाइस, इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट राइटिंग टास्क वन सैम्पल आंसर्स। ओके, सो पहले तो हमने डिस्कस किए थे स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस, वर्ड्स, एंड इन थ्री वीडियोस वी डिस्कस्ड ऑल द things which we use in our writing task 1. Now we will see the structure, how to use them and how to apply in our task. So today we will discuss about sample answer of pie chart. So let's watch. तो ओके गाइस, देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ पाई चार्ट। ओके, तो इसका आज हम आंसर भी साथ में देखेंगे, कैसे लिखना है हमें फर्स्ट टास्क। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज क्वेश्चन। ओके, द टेबल बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट इन थ्री डिफरेंट डाइट्स। किसके बारे में है ये इन्फॉर्मेशन? है प्रोपोर्शन ऑफ, किसका परसेंटेज है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। किस में? इन थ्री डाइट्स में। ठीक है, इसमें राइट ए रिपोर्ट फॉर ए यूनिवर्सिटी लेक्चर, ये तो ये नहीं हमने लिखना, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट इन थ्री डिफरेंट डाइट्स। ओके, तो इसमें दिया है, ये हमारे सामने चार्ट है, इसमें हमें क्या दिया है, ये एवरेज डाइट है। किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। ये क्या है, ये ब्लैक वाला क्या है, हाई कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन है, ये लाइट वाला प्रोटीन का है, और ये क्या है, फैट। ओके, तो ये हेल्दी डाइट्स में कितने होते हैं, एवरेज डाइट में, और ये है हेल्दी डाइट में। ओके, ये तीन डाइट्स हैं, इनमें किसका प्रोपोर्शन है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। सो देर इज ए इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है, द पाई चार्ट्स कंपेयर द प्रोपोर्शन ऑफ, ये क्या है, पाई चार्ट है, चार्ट्स। अब हमने इसे प्लूरल क्यों लिखा है, बिकॉज दीज आर थ्री, ये कितनी है, तीन है। अगर एक होता तो हम लिखते द पाई चार्ट कंपेयर्स। ठीक है, तो कंपेयर के साथ ऐसा आ जाता, तो अब चार्ट्स है तो हमने ये क्या आ जाएगा, सिंगुलर। ओके, द पाई चार्ट्स कंपेयर द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन थ्री डिफरेंट डाइट्स, नेमली किस किस में, एवरेज डाइट में, हेल्दी डाइट में एंड ए हेल्दी डाइट फॉर स्पोर्ट। ओके, हेल्दी डाइट फॉर स्पोर्ट, हेल्दी डाइट, एवरेज डाइट। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड्स चेंजेस करने हैं हमें, और वैसे का वैसा बिल्कुल ही सिंपल इंट्रोडक्शन हमने लिखना है। ठीक है, तो अब इसका ओवरऑल देखते हैं। ओवरऑल में हमने ये एक फ्रेज लगाई है, इट इज़ नोटिसएबल दैट। ठीक है, ये हमने लगाने, इट इज़ नोटिसएबल दैट स्पोर्ट्स पीपल जो है रिक्वायर ए डाइट कंप्राइजिंग ए सिग्निफिकेंटली हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देन एन एवरेज डाइट, कि जो हेल्दी डाइट वाले लोग हैं वो किसकी रिक्वायर ज़्यादा करते हैं, हायर प्रोपोर्शन किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ये क्या है, 60%, सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन किसका वो करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का, एज कंपेयर टू एवरेज डाइट। अब एवरेज जो डाइट है उससे क्या है, ज़्यादा है किसका, इसमें। ठीक है, लाइक इसमें ज़्यादा है इसे। ठीक है, एवरेज डाइट के कंपैरिजन में जो हेल्दी डाइट पीपल है वो क्या है, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ओके, ये तो हो गया कंपैरिजन। ठीक है, ये इसने ज़्यादा का बता दिया, द एवरेज डाइट कंटेन्स द लोएस्ट परसेंटेज, जो एवरेज डाइट है वो क्या है, लोएस्ट परसेंटेज कंज्यूम करती है। ठीक है, ये क्या है, कम कंज्यूम करती है परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बट द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट का तो कम प्रोपोर्शन करती है, लेकिन जो जो क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन का कितना करती है, 40%, सभी में क्या है, प्रोटीन कम है, लेकिन एवरेज डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन जो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू इनकी। ओके, तो ये हमने ओवरऑल बता दिया, एक तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन बता दिया कार्बोहाइड्रेट्स में किससे ज़्यादा है, एवरेज डाइट और हेल्दी डाइट से इसमें ज़्यादा है,
और जो प्रोटीन का प्रपोर्शन है वो इसमें ज़्यादा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट का कम है। ये ओवरऑल में हमने क्या है मेन थिंग्स ऐड कर दी। ओके तो अब बीपी वन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेकअप 60% ऑफ ए हेल्दी डाइट फॉर स्पोर्ट। जो क्या कार्बोहाइड्रेट्स क्या करती है मेकअप करती है कितना 60% ऑफ हेल्दी डाइट, ये आपके सामने है। दिस इज 10% हायर देन द प्रपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ए नॉर्मल हेल्दी डाइट। ठीक है जो नॉर्मल हेल्दी डाइट है इससे क्या है 10% ज्यादा है। ठीक है 10% हायर देन द प्रपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन नॉर्मल हेल्दी डाइट। ठीक है इसमें क्या है 50% है इसमें क्या है 60 है तो ये क्या है 10% ज्यादा है। ओके अब कोमा लगा के हमने इसे क्या बना दिया कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कोमे के आगे लेके क्या है कि हमने एंड ये बना दिया हमने लाइक इसको बना दिया हमने कंपाउंड सेंटेंस एंड नोर और बट आल्सो वाले क्या होते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया कोमा लगा के लगा दिया एंड। ठीक है अब अभी हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। 20% मोर देन द प्रपोर्शन इन एवरेज डाइट ये क्या है 20% मोर देन द प्रपोर्शन इन एन एवरेज डाइट। ठीक है इसमें क्या है 20% ज़्यादा इसमें क्या है थोड़ा कम है। ठीक है ये मे बी शायद होगा 40 लाइक 30 समथिंग कुछ। ठीक है 40 और 20 60 और ये लाइक 40 समथिंग होगा। ठीक है लाइक दैट ओके 20% मोर देन द प्रपोर्शन इन एवरेज डाइट ये 60 है इसमें 40 होगा तो इससे 20% ज़्यादा है इससे 10% ज़्यादा है। ठीक है ये बात कही उसने। ऑन द अदर हैंड ठीक है अब यहाँ कंपैरिजन करते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर पीपल हु ईट एन एवरेज डाइट कंज्यूम ए ग्रेटर रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन कि जो दूसरी ओर अब हमने कंपैरिजन अब हमने सबसे ज़्यादा वाला बता दिया एक तो तीनों में। ठीक है भी तीनों में से किसका ज़्यादा है हेल्दी डाइट फॉर स्पोर्ट का स्पोर्ट्स पीपल का। अब सबसे कम अब सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में जाता है ऑन द अदर हैंड पीपल हु ईट एन एवरेज डाइट कंज्यूम जो एवरेज डाइट के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा क्या कंज्यूम करते हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन 40% कितना ये क्या है 40% प्रोटीन कंज्यूम करते हैं देन दोज हु ईट ए हेल्दी डाइट एंड स्पोर्ट्स पीपल कि जो ये हैं लोग सबसे ज़्यादा प्रोटीन एवरेज डाइट वाले लोग क्या हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू हेल्दी डाइट 30% हेल्दी डाइट फॉर स्पोर्ट 25% ये भी उसने मेंशन कर दिया है। ठीक है तो ये हमारा हो गया बीपी वन। ठीक है अब मूव ऑन द सेकंड बीपी। ठीक है द थर्ड कंपाउंड शो इन द चार्ट्स इज फैट जो थर्ड कंपाउंड है जो दिया गया है वो क्या है हमारा फैट। अब हमने दो का तो बता दिया एवरेज डाइट भी बता दी और हेल्दी डाइट बिकॉज वी हैव टू हाइलाइट्स द मेन वर्ड्स। ठीक है हमें सभी को ऐसे नहीं लिखना इसमें 10% है इसमें हमने कंपैरिजन जितना बन सके हमने कंपैरिजन करना है और मेन मेन पॉइंट्स अब हमने हाइलाइट्स करने हैं। ओके द थर्ड कंपाउंड शोन इन द चार्ट इज फैट। ठीक है वो क्या है फैट है फैट कॉन्स्टिट्यूट्स एग्जैक्टली 1/5 ऑफ बोथ। ठीक है जो फैट है वो कितना कंज्यूम करती है 1/5। ठीक है 1/5 कंज्यूम करती है 1/5 कितना होता है 20% ऑफ बोथ द एवरेज डाइट एंड हेल्दी डाइट। ठीक है अब देखो एवरेज डाइट में भी 20% है और हेल्दी डाइट में भी 20% उन्होंने क्या कहा है कि जो फैट है वो कितना कंज्यूम करती है 20% ऑफ बोथ डाइट्स एवरेज एंड हेल्दी डाइट्स का। ओके एंड द हेल्दी बट द फिगर ड्रॉप्स जो लेकिन जो फिगर है वो ड्रॉप्स टू ओनली 50% जो फिगर है वो कितने कम हो गए ओनली 50% फॉर द हेल्दी स्पोर्ट्स डाइट जहाँ पर कितने हैं इसके ओनली 15%। ठीक है तो या इसमें क्या हो गया जो वो कह रहा है कि जो हेल्दी डाइट्स फॉर स्पोर्ट्स हैं उसमें क्या है जो ये फिगर है वो क्या है ड्रॉप हो जाते हैं कम हो गए हैं। ठीक है तो इसी तरह हमें पाई चार्ट करना है ये हमने इंट्रो बनाना है फिर ओवरऑल आ जाएगा फिर बीपी वन बीपी टू। ठीक है ये आप देख लेना किसमें हमने दो एक में कर दिया। अब अगर आपके पास थ्री हैं
तो थ्री में से आपको टू का कंपैरिजन वन पैराग्राफ में कर देना है और उसका दूसरे का एक में सिंगल का कर देना, ठीक है। और हमारे ये कितने वर्ड्स बनते हैं, 164 वर्ड्स। हमें क्या लिखना है, 150 वर्ड्स की रिपोर्ट ये लिखनी होती है रिपोर्ट, एटलीस्ट कम से कम 150 होने चाहिए। इससे ऊपर लाइक आपके वर्ड्स 180 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 150 से कम नहीं होने चाहिए। इसके बीच आप कितने भी वर्ड्स लिख सकते हैं। और सभी लाइक अब अगर हम हमारे अब सेंटेंस भी सही है, हमने फ्रेजेस भी यूज़ किया है इसमें, कंपैरिजन, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाए हैं, हमने कंपैरिजन भी किया है, तो ये हमारा एक बहुत अच्छा टास्क है लाइक 9 बैंड का, ठीक है। तो इसी तरह आप ये 164 वर्ड्स है, ठीक है। तो हमने सभी लाइक सभी पॉइंट को मेंशन भी किया है और अलग स्टाइल में मेंशन किया है, और सभी लाइक कंपैरिजन भी किया है, हमने लोएस्ट हाईएस्ट सब बताया है, तो ये हमारा एक राइट आंसर है। तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।